जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब गोलू को पहले से काफी आराम है, काफी बेटर फील कर रहा है। तो आज उसकी डिमांड है कि मम्मा कुछ अच्छा नाश्ता बना के दो। जानते हैं ना, बीमारी के टाइम में ना मुंह का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है दवा खा खा के। तो बस उसका मन है कि कुछ अच्छा बना के दो आज। तो मैं उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ आलू का। और जानते हैं मैं ज़्यादा ऑयली नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऑयली देना इस टाइम ठीक नहीं है। तो ऐसा बनाऊंगी कि जो हेल्थ के लिए ठीक भी रहे और उसका मुंह का टेस्ट भी बदल जाए। तो चलिए चलते हैं, आज बनाते हैं नाश्ता। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुकर में आलू रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, क्योंकि आलू बॉयल हो जाएंगे तभी इसका नाश्ता बनेगा। तो यहाँ मैंने आलू रख दिए हैं और तब तक यहाँ मैं आटा लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है आटा 2 कटोरी और इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैंने डाली है 1/2 चम्मच हल्दी और नमक 1 चम्मच। और यहाँ पर डाला है मैंने हल्का सा ऑयल 2 चम्मच के लगभग। अब मैं सब इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ आटे में मिल जाए अच्छे से। इसके बाद में फिर मैं पानी डाल के गूंदूंगी आटे को। तो यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ और आटा इसका ऐसे लगाना है कि ना ज़्यादा ही हार्ड हो ना ज़्यादा ही सॉफ्ट हो। जैसे हम उसके लिए लगाते हैं ना पूरी पराठे के लिए, उसी तरीके से आटा लगाना है। और मेरा आटा लग चुका है। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैंने डाला है जीरा और यहाँ मैंने डाले हैं कुछ सरसों के दाने, खड़ी सरसों। और यहाँ मैंने डाली है सौंफ और हरी मिर्च। अब इन सबको अच्छे से भून रही हूँ मैं, जब तक सौंफ और राई चटक ना जाए। और हरी मिर्च अच्छे से भून गई तब तक मैं आलू को मैश किए लेती हूँ। और इन सब के बाद में मैंने लो फ्लेम करके सारे मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्च धनिया। और यहाँ तुरंत टमाटर डाल दिए ताकि टमाटर मसाले में अच्छे से गल जाएं। और फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि आटे में भी नमक है तो ज़्यादा नमक ना हो जाए उसी के हिसाब से डालना है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जिससे क्या थोड़ा सा खटाई आ जाएगा, खट्टापन। और यहाँ मेरे जो टमाटर हैं गल चुके हैं अच्छे से। अब मैं आलू जो मैंने मैश करके रखा है वो मैं आलू डाल रही हूँ। और मसाले में बहुत अच्छे से मिलाना है जिससे हमारा अच्छा सा मसाला बन के तैयार हो। तो यहाँ देखिए मेरा आलू का मसाला बढ़िया से बन के तैयार हो गया। और तब तक मेरा आटा भी रेस्ट कर लिया 10 मिनट। और अब मैं यहाँ लोइया काट ले रही हूँ और यहाँ मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। और बेल बेल के मैं इकट्ठी रख ले रही हूँ पहले। तो यहाँ देखिए मैं फटाक से बेल ले रही हूँ और बेलने के बाद फिर ये जो मैंने आलू का मसाला बना के रखा है ना, वो इस तरीके से भर के इसमें मुझे फोल्ड करना। देखिए मैं फोल्ड कर रही हूँ और लास्ट में ना पानी लगाने हैं, पानी लगा के चिपकाना है लास्ट में। तो इस तरीके से देखिए मैं अपने सारे रोल बना लेती हूँ पूड़ियों के। तो जो आलू का मैंने मसाला बनाया है वो इसमें स्टफिंग भरनी है और फिर इसके बाद में इसको फोल्ड करना है, लास्ट में पानी लगा देना है। तो यहाँ मैं सबको ऐसे ही भर के तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए मेरे सारे रोल बन के तैयार हो चुके हैं। और यहाँ फिर मैं चाकू से सबको कट कर रही हूँ इन रोल को। तो यहाँ मैं कट कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं आगे का बताती हूँ। यहाँ देखिए मेरे सब कट हो चुके हैं रोल। तो रोलों को हल्के हाथों से दबाना है इस तरीके से। तो देखिए ये कितने अच्छे बिस्कुट जैसे बन के तैयार हो गए। तो बस उनको हल्के हाथों से दबाया। यहाँ तक मैंने तवा रख दिया था, तवा भी मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हल्का सा ऑयल डाला था, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। तो सब मैंने जितने भी ये रोल कट करके बनाए थे ना, सबको इसमें मैं डाल देती हूँ जितने आएंगे, बाकी के दोबारा सेक लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं सब लगा देती हूँ, बढ़िया से सेट कर देती हूँ और एक तरफ से सिक जाएंगे ना अच्छे से। तो मैं पलट दूँगी, क्योंकि यहाँ मेरे एक तरफ से सिक चुके हैं। तो मैं इनको पलट रही हूँ, बाकी से कभी सीखना है। और सच में इनको एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। ज़्यादा इसमें कोई ऐसा सामान भी नहीं है जो अपने घर में ना मिले, और बनाना भी बहुत आसान है, बच्चों का भी मन रह जाता है। मैंने सोचा ऐसा बना देती हूँ जो कुछ ज़्यादा वायदी भी ना हो और बच्चों को पसंद भी आए। तो यहाँ मैंने बनाई है मीठी वाली चटनी और यहाँ मेरे बन के तैयार हो गया है आलू का और आटे का बढ़िया नाश्ता। टेस्ट मेरा बन गया आलू का और आटे का टेस्टी नाश्ता, जो निकलती भी है और झटपट बनने वाला भी है। तो देख लीजिए, आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रख दी है चाय, शाम वाली चाय का टाइम हो गया। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है और
वैसे गर्मी में शाम को चाय पीने का मन तो नहीं करता, बट थोड़ा मेरे सिर में भी आज भारीपन सा था तो मैंने कहा चाय रख ही देती हूँ। तो आज मैंने इनके बोलने के पहले ही चाय रख दी। तो बोलते हैं आज मेरे बोलने से पहले चाय कैसे रख दी? मैंने कहा आज मेरा भी मन है ना इसलिए रख दी। नहीं जब तक ये बोलते नहीं तब तक मैं शाम वाली चाय नहीं रखती। तो यहाँ मेरी बन रही है चाय और यहाँ देखिए अभिषेक सारी वाटर जग लेके आ गए हैं तो पानी से भर रहे हैं क्योंकि सब खाली हो चुकी हैं तो जा रहे हैं ये रखने फ्रिज में। भाई बच्चों को बोलना नहीं पड़ता, अगर दिखता है तो अपना काम वो खुद से शुरू कर देते हैं। और यहाँ मेरी चाय देखी हो गई रेडी, आ जाइए चाय पीने। अब मैं जाती हूँ चाय दे के आऊँ। बोलते हैं देखिए क्या बोलते हैं। तो बस यहाँ हम लोग पी रहे हैं। और यहाँ पर भाई संडे के दिन भाई काफ़ी इनकी ड्रेस है कपड़े ये सब निकलते हैं तो मैं कपड़ों में कर रही हूँ प्रेस। तो प्रेस हो जाए तब दूसरा काम देखा जाए। और यहाँ पर खाना वाना सबका हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं छत में टहल रही हूँ। रात में क्या मैं छत में ही टहल लेती हूँ क्योंकि सुबह ही टहलने जाते हैं, शाम को तो अपने घर छत में ही पर्याप्त है टहलने के लिए। तो यहाँ मैं टहल रही हूँ और उतने टाइम हवा भी अच्छी चलती है तो थोड़ा हवा भी मिल जाती है, अंदर तो फिर घुसना ही है। और यहाँ देखिए ये लेटे आराम कर रहे हैं बाहर। तो अभिषेक उनके पैर दबा रहे हैं, ये बोल रहे थे कि आज कुछ पैर में दर्द हो रहा है तो यहाँ अभिषेक दबाने में लगे हैं। और आपको मैं गोलू को दिखाऊं तो देखिए ये कैसे सो रहे हैं, कंबल नीचे पड़ा है, कूलर भी चल रहा है, बैटरी वाला फ़ैन भी चल रहा है। और यहाँ मैं रख रही हूँ पानी गर्म होने के लिए, मैं रात के ही रख देती हूँ ताकि सुबह तक ठंडा हो जाए, फिर छान के भर देती हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने सोचा वीडियो की एंडिंग भी कर लूँ, आप लोगों से बात भी कर लूँ। तो अब हो रहा है रात बजे का 10 बजे का टाइम, मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ तभी मैं आपके पास बैठी हूँ। और नीचे ना कूलर चल रहा है उसी की आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा भाई। मैं हम अपना कूलर फ़ैन बंद कर सकते हैं, दूसरे का नहीं बंद करवा सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, ये पूछ रहे थे कि भाई रमा दीदी आ गई हैं, आप दीदी आप नहीं जाएंगी क्या, आप कब जाएंगी? भाई पूछना तो बनता ही है, जो इंसान इतनी दूर से आ रहा है और हम यहाँ बैठ के भी उससे मिलने नहीं जा पा रहे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने मेरे टाइटल में देखा ही होगा कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके चलते मेरा पाँव एकदम बंधन में बंध गया। और जबकि हमने अपनी प्रिपरेशन पहले से बना के रखी थी कि हम रमा के आने से पहले ही पहुँच जाएंगे तो उसे ही अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा एक दूसरे से मिलके। लेकिन हमारे सोचने से अगर सब कुछ होने लगे तो बात ही बन जाए, हमारा सोचना तो व्यर्थ ही है। तो ऐसा हुआ ना कि पंचायत वाले चुनाव यहाँ 1 महीने से चल रहे हैं, पंचायत वाले सारे निपट गए जो सरपंची वाले होते हैं, और उनमें महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगी क्योंकि शायद गांव में दूर दूर जाना पड़ता है, शायद इसीलिए नहीं लगाई हो। तो हम लोगों ने सोचा कि जेंट्स स्टाफ अवेलेबल होगा, पर्याप्त होगा, इसलिए लेडीजों की नहीं लगाई गई, तो अब लगेगी ही नहीं। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, मेरे हाथ में जब ड्यूटी लेटर आ गया ना तो मैं एकदम शौक में रह गई। इसलिए शौक में रह गई भाई, नौकरी है तो काम तो करना ही है, लेकिन शौक में मैं इसलिए रह गई क्योंकि हमारे माइंड में कुछ और चल रहा था, मैं तैयारी कुछ और बना के रखी थी। तो तब हमें दुख होता है ना कि जब हम अपने पर्सनल कार्य खुद सोचे हुए होते हैं और दूसरा काम हमको आ जाता है सामने तो हम थोड़ा दुख होता है, शौक भी होता है। वही मेरे साथ हुआ कि मैं एकदम से निराश हो गई, मैंने कहा मैंने तो कुछ और सोच के रखा था ये क्या हो गया। लेकिन हो क्या, जो काम हमें मिला है तो उसे हमें करना ही है। और चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम लापरवाही भी नहीं कर सकते और ना ही हम ड्यूटी से पीछे भाग सकते हैं, तो वो करना ही करना है। मैंने सोच के तो बहुत कुछ रखा था लेकिन हो गया, मेरी तैयारी सारी पोस्टपोन हो गई और मैं मन मार के बैठ गई। वरना बच्चे तो ये बोल रहे थे कि रमा मौसी आएंगी ना तो मम्मी अब पहले से ही चलेंगे, अयान से मिलेंगे, मतलब अयान से मिलने के लिए बेताब हैं बच्चे। भाई बच्चों की कंपनी बच्चे ही नहीं मिलती है। तो आप रोज़ पूछ रहे हैं बच्चे मम्मी नहीं चल रही हो, भाई वीडियो में देख रहे हैं, हम छुपा लेंगे कि नहीं अभी रमा मौसी नहीं आई हैं, लेकिन वो तो वीडियो में देख रहे हैं ना पढ़े। तो उन्होंने देखा कि रमा मौसी आ गई हैं तो बोलते हैं मम्मी चलो ना, कब चलोगी? तो बस उनको भी समझा दिया कि बेटा अब क्या करें, यहाँ नगर निगम वाला चुनाव है तो वो कराना ही कराना है, इसके बाद देखिए जो कुछ हो। तो फ्रेंड्स मैं इसी के साथ करती हूँ वीडियो की एंडिंग, और मैं तो बहुत ही निराश हूँ, मगर अब क्या करूँ। तो मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भी लाइक ज़रूर करिए, आपके लाइक मेरा मोटिवेशन बहुत ही बढ़ाते हैं। तो
और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो कोई मिस ना हो, सारी वीडियो में आप तक पहुँच सकें। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलती हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।